लार्ज कैप फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक ऐसी कैटेगरी है जो ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होती है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 1 से लेकर 100 के बीच में रैंक करती हैं ऑन द इंडेक्स। इन्हें पॉपुलरली ब्लू चिप फंड्स भी कहा जाता है। ये कंपनीज काफ़ी बड़ी होती हैं और मार्केट लीडर्स भी होती हैं, जिस वजह से इनके स्टॉक्स अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। आज हम आपको इस कैटेगरी के ही एक फंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में आपको तभी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 to 5 years का हो। सबसे पहले निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड का इंसेप्शन अगस्त 2007 में हुआ था और तब से लेकर ऑन एन एवरेज फंड ने 11.77% तक के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। फंड ने 3 साल में 19.4%, 5 साल में 12.47%, 7 साल में 13.07% और 10 साल में 15.48% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में मेजॉरिटी एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, विच इज़ अबाउट 82.22% ऑफ द पोर्टफोलियो, मिड कैप में 13.35% और स्मॉल कैप में 4.43%। अब निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। फंड के एसेट्स 55 स्टॉक्स में एलोकेटेड है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन HDFC बैंक में है एट 6.95%, HDFC में 6.22% और L&T में 6.07% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 53.43% है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के एसेट्स 14 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 34.38% और टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, जिनकी वेटेज 54.88% है। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.2 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.25 है। अब फंड के की फीचर्स देखते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑन 31st August 2022 12,913 crores थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.87% है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 rupees है, एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 rupees है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर शैलेश राजभान और मिस्टर आशुतोष भार्गव हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि बाकी लार्ज कैप फंड्स की तरह इसका एग्जिट लोड 365 डेज नहीं है। अगर आप अपने यूनिट्स को 7 दिन के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 7 दिन के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेंस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेंस इन अ सिंगल ईयर 1 lakh rupees से ज़्यादा होंगे तब। ये तो थी निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के फीचर्स के बारे में। बट अब सवाल ये आता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो रिस्क तो हाई है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की अगर बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 68% का रहा है पिछले एक साल में। इसका मतलब फंड ने अपने होल्डिंग्स में काफ़ी चेंजेस किए हैं। लार्ज कैप में आप लॉन्ग टर्म में 12-13% तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी जा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.